लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जयपुर स्पोर्ट्स डेस्क। कभी रविंद्र जडेजा की आलोचना करने वाले दिग्गज संजय मांजरेकर पर अब गाजगिरी है। दरअसल खबरों की माने तो बीसीसीआई ने उन्हें कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया है। खबरों के आधार पर संजय मांजरेकर को भारतीय टीम के घरेलू मैचों की कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खौफ के बीच कप्तान कोहली ने लोगों से की खास अपील, मांजरेकर भारत की द्विपक्षीय सीरीज से ही नहीं बल्कि आईपीएल के कमेंट्री पैनल में भी नजर नहीं आएंगे। वैसे अब तक संजय मांजरेकर को पैनल से हटाने की कोई खास वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा सकता है कि अथॉरिटी मांजरेकर के काम से खुश नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की वन डे टी20 सीरीज हुई निलंबित। गौरतलब है कि भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की आलोचना को लेकर मांजरेकर विवादों में भी रहे हैं। उन्होंने आईसीसी वन डे विश्व कप 2019 के दौरान रविंद्र जडेजा को काम चलाऊ क्रिकेटर कहा था। मांजरेकर ने उस वक्त कहा था कि मैं ऐसे खिलाड़ी की प्लेइंग 11 में नहीं देखना चाहता जो टुकड़ों में परफॉर्म नहीं करता हो। मुझे वह खिलाड़ी नहीं पसंद जो किश्तों में परफॉर्म करते हैं, जैसे आजकल जडेजा वन डे में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं या बल्लेबाज को लेना चाहूंगा या गेंदबाज को। बता दें कि उस वक्त रविंद्र जडेजा ने मांजरेकर को इस बात का जवाब भी दिया था। एक तरह से दोनों के बीच काफी विवाद देखने को मिला था। रविंद्र जडेजा कुछ सालों से टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने वन डे विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था और अपनी उपयोगिता को बखूबी साबित किया था। कंगारू खिलाड़ी कोरोना वायरस टेस्ट में पाया गया नेगेटिव, टीम को भी मिली बड़ी राहत।